देख रहे हैं fastsamachar.com, खबरों में सबसे तेज। आज हम अपने स्टूडियो से चुनावी चकल्लस कार्यक्रम में शिवपुरी जिले की राजनीति कहीं ना कहीं महल के इर्द गिर्द घूमती है, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, कहीं ना कहीं ये पूरी राजनीति महल के चारों ओर घूमती नजर आती है। चाहे टिकटों की बारी हो या चुनाव के दौर हो, या नगरपालिका की बात करें या जिला पंचायत अध्यक्ष की, पूरी राजनीति को कहीं ना कहीं महल पूरी तरीके से इफेक्ट डालता है। इसी राजनीति में इस बार दो पार्टियां और हमारे साथ कूद रही हैं, दिल्ली की सल्तनत को हिलाने वाली आम आदमी पार्टी हो या मध्य प्रदेश की धरातल को बुरी तरीके से नेस्तनाबूद करने वाली सपाक्स हो, जिसका जन्म हुए अभी सिर्फ दो दिन हुए, लेकिन कहीं ना कहीं इसका पूरा हल्ला मध्य प्रदेश में मचा हुआ है। तो आज हमारे साथ इन्हीं चुनावों को लेकर, इन्हीं के प्रतिनिधियों के साथ हम शिवपुरी क्षेत्र की पांचों विधानसभाओं को लेकर, उनके मुद्दों को लेकर, चुनाव को लेकर, उनके जनप्रतिनिधियों को लेकर, कार्य किए गए कार्यों को लेकर, किए गए नहीं कार्यों को लेकर, उनके वादों को लेकर, उनके आश्वासनों को लेकर मिलते हैं इनके जनप्रतिनिधियों से। नमस्कार। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी से अजीत सिंह भदौरिया जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। इसी क्रम में हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा से धैर्यवर्धन शर्मा जी। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे साथ सपाक्स पार्टी से मौजूद हैं गजेंद्र सिंह सोलंकी जी। इसी क्रम में हमारे साथ आम आदमी पार्टी से मौजूद हैं पीयूष शर्मा जी। इन सबको देखते हुए हमारे साथ कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में मजबूत वजनदारी से अपनी बात को रखने वाले वक्ता की भी हमको जरूरत थी, तो हमने अपने साथ शिवपुरी जिले के पत्रकारिता में बड़े बड़े आयाम स्थापित करने वाले ब्रजेश तोमर जी को भी न्योता दिया है। हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार ब्रजेश तोमर जी। नमस्कार। सबसे पहले मैं बात करूंगा किन वादों का, मुद्दों का, किन मुद्दों पर हमारी सरकार आई, किन मुद्दों पर हमारी सरकार जा सकती है या किन मुद्दों पर आने वाली सरकार आएगी। तो मैं सभी जनप्रतिनिधियों से चाहूंगा कि आपको सभी को एक एक मिनट का समय मिलेगा। आपके जो मुद्दे हैं, जिन मुद्दों पे आप चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, जिन मुद्दों पे आपने शिवपुरी जिले को फोकस किया ना, आप प्लीज मेरी इस बात को विशेष ध्यान रखिएगा। मेरा फोकस अकेला शिवपुरी शहर नहीं है, मेरा फोकस अकेला शिवपुरी विधानसभा नहीं, मेरा फोकस पांचों विधानसभा है शिवपुरी जिले। सबसे पहले मैं अजीत सिंह भदौरिया जी से चाहूंगा कि वो इस एक मिनट में क्या अपनी बात किस तरीके से रखना चाह रहे हैं, कृपया मेरे को बताएं क्या मुद्दों पे आप, किन मुद्दों पे आप चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर आप, आपके क्या क्या फोकस है, भाजपा की किन नीतियों के खिलाफ हैं आप, इन बातों को लेकर आप अपनी बात। अजय जी, जहाँ तक शिवपुरी जिले के विकास की बात है, तो जब से मध्य प्रदेश में 14.5 साल से शिवराज सिंह की भाजपा सरकार है, इस सरकार से पूरे जिले का विकास अवरुद्ध हो चुका है। मैं शिवपुरी विधानसभा की बात करूं, तो शिवपुरी विधानसभा में चाहे वो पानी की समस्या हो, स्वास्थ्य सेवाओं की समस्या हो, सारी समस्या है, सीवर प्रोजेक्ट, तो सब प्रोजेक्ट भाजपा की अकर्मण्यता के कारण, भाजपा सरकार की अकर्मण्यता के कारण सारे प्रोजेक्ट फेल होते चले। कोलारस की बात करें, अभी हाल ही में उपचुनाव हुआ, उस उपचुनाव में मुख्यमंत्री से लेकर सारे मंत्री कोलारस में डले रहे, गृह मंत्रियों ने तरह तरह के वादे किए, जिन विधानसभा प्रश्नों को तत्कालीन कांग्रेस विधायक ने लगाया, वहाँ पे विधानसभा में जिन मंत्रियों ने मना किया ये काम नहीं हो सकते, वहाँ उन्होंने झूठे वादे कर दिए। शिवपुरी जिले में किशोर में विगत 36 बार से कांग्रेस के विधायक है केपी सिंह जी, आप देखिए शिवपुरी पिछोर विधानसभा का शिवपुरी जिले में सर्वांगीण विकास हुआ। करेरा की बात कर लीजिए, पौरी की बात कर लीजिए, सब जगह विकास अवरुद्ध पड़ा हुआ, क्योंकि भाजपा की सरकार ने कोई काम नहीं किया, बिल्कुल अकर्मण्यता, बेरोजगारी शिवपुरी जिले में चरम पे है, भ्रष्टाचार चरम पे है, कोई प्रशासन नाम की चीज नहीं बची है, सब सारी यातायात व्यवस्था ठप पड़ी है। तो निश्चित रूप से शिवराज सिंह की 14.5 साल की सरकार में मध्य प्रदेश के अन्य जिलों का, अन्य शहरों का विकास हुआ, पर शिवपुरी की अवनति हुई। धन्यवाद सर। मैं भाजपा से बात करना चाहूंगा कि किन मुद्दों पर आप, 14.5 साल की गवर्नमेंट आपकी बन चुकी है, 14.5 साल आप लोगों ने राज किया है, उमा भारती इस गवर्नमेंट को रिटर्न लेके आई थी, उमा भारती जी ने पूरे मध्य प्रदेश में दौरा किया था, दिग्विजय सिंह जी का विरोध था, उसके कारण आप लोगों की गवर्नमेंट बड़े पैमाने पर, उसके बाद लगातार दो चुनाव आपने जीते, अब आप किन मुद्दों पर
चुनाव लड़ेंगे और किन मुद्दों पे आपकी चुनाव चाहते हैं कि आपकी दोबारा एक बार 5 साल की वापसी हो? मेरा विषय आपने स्वयं प्रारंभ कर दिया, दिग्विजय सिंह जी का विरोध था। विरोध क्यों था? सड़क बिजली पानी को लेकर के, कानून व्यवस्था को लेकर के, जाति भेद के कारण से, और मध्य प्रदेश ठहर गया था, थम गया था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लोगों को भरोसा दिलाया कि हम परिवर्तन लाएंगे। परिवर्तन लाने में हम सफल हुए। जिन गांव में बिजली नहीं थी, इसी शिवपुरी विधानसभा की अगर मैं बात करूं तो 25 गांव में बिजली नहीं थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उन 25 गांव में बिजली पहुंचाई है। अगर पूरे ज़िले की बात की जाए तो किसान परेशान था, किसान के खेत पर बिजली नहीं पहुँचती थी। माता और बहनों की बद्दुआ दिग्विजय सिंह जी को लगी थी, रात के 2 बजे भी अपने बच्चों को लेकर के घर के दरवाजे बैठती थी कि थोड़ी सी शीतल हवा उसके माथे को उसके सिर पर लग जाए ताकि बच्चा की घबराहट और बेचैनी कम हो जाए। भारतीय जनता पार्टी आई, अच्छी सड़कें बनी है, लगभग 1.5 लाख किलोमीटर मध्य प्रदेश में सड़कें बनी है, तो शिवपुरी जिला भी अछूता नहीं है। अगर दूसरी जगह पर गरीबों को आवास मिले तो शिवपुरी जिला भी अछूता नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ, कांग्रेस की सरकार में पिछले 60 वर्षों से इंदिरा आवास कुटीर के नाम पर जो पैसा आया वो आखिर कहाँ डूब गया? बीजेपी की सरकार बनने के बाद गांव-गांव में मकान दिख रहे हैं। इसी क्रम में हमारे साथ सपाक्स से मौजूद है सोलंकी जी। सोलंकी जी, किन मुद्दों पर सपाक्स विरोध कर रही है, भाजपा का, कांग्रेस का, किन मुद्दों पर आपने सभी पार्टियों का विरोध किया और कहीं ना कहीं आपको मजबूरी बस इस सपाक्स संगठन को पार्टी में परिवर्तित करना पड़ा? अभी 2 दिन की पार्टी है लेकिन इसने पूरे मध्य प्रदेश को हिला रखा है। अलीराज जी, पिछले 70 साल में कांग्रेस, भाजपा और अन्य दलों में इस देश पर शासन किया, लेकिन देश में धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर बहुत बढ़वा हुआ है और व्यवस्था फैलती जा रही है। आज आरक्षण की बात करें तो वही भी गलत है। अगर आपको गरीबी दूर करना थी आरक्षण के नाम पर तो पिछले 70 साल में खत्म क्यों हुई है? अगर इसको हाथ एकाधा पर लागू की जाती तो धीरे धीरे 10 साल, 15 साल, 20 साल में खत्म हो सकती थी। लेकिन गरीब आज भी वही है, जो आर्थिक संपन्न है वो उसका लाभ लेते जा रहे हैं, लोग परेशान हैं, अराजकता फैलती जा रही है। एयर टू सिटी एक्ट जब सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन उस पर कर दिया कि अब इस पर जांच के बाद कार्रवाई होगी, लेकिन ऐसी क्या मजबूरी थी जो इसको लागू किया कि नहीं, इसको सीधा जो है FIR दर्ज होते थी उसको गिरफ्तार किया जाएगा, इससे बहुत बहुत दुश्मनी फैलेगी और मारकाट भी होगी, लोग गलत तरीके से तो फंसाए जाएंगे और ये व्यवसाय बनाया जाएगा, क्योंकि इसमें तो पैसे की भी लालच है, इसमें पैसा दिया जाएगा। आपकी सभी बातों को हम आपकी भी रखेंगे। इसी के साथ दिल्ली में बुरी तरीके से, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, बहुत बुरी तरीके से बीट किया था। मैं तो ये मानूंगा कि ऐसा क्रिकेट मैच मैंने नहीं देखा, ऐसा चुनावी मैदान मैंने नहीं देखा, पहली बार 70 सालों में, चाहे आपने भी नहीं देखा होगा, 70 में से 67 बहुत बुरी स्थिति की थी और अब आगे आ गया, आने वाले चुनावों में शायद मध्य प्रदेश में भी कुछ कर पाए। बात करेंगे पीयूष शर्मा जी से। शर्मा जी, आपके क्या मुद्दे हैं? जी, हमारे मुद्दे हैं कि एक तो सड़कें शिवपुरी की, पूरे ज़िले की सड़कें खराब हैं। जो सड़कें डली हैं वो एक प्रोसेस के माध्यम से डली हैं, जैसे कि डलनी चाहिए कि कोई 1000 किलोमीटर की पहले डलती है, 500 किलोमीटर की डलती है, 100 किलोमीटर की डलती है। जैसे कि यहाँ हमारे यहाँ ज्योतिरादित्य सिंधिया या यशोधरा राजे सिंधिया जो विधायक हैं, तो इन लोगों का सिर्फ एक ही धंधा है कि जाके शिलालेख लगा देना और बता देना कि ये सड़क हम लाएँ। ये सब झूठ बोलते हैं। जो एक नेचुरल प्रोसेस से जिस चीज़ का विकास होना है वो नेचुरल प्रोसेस से होता है। जो विकास इनको करना चाहिए वो ये करते नहीं हैं। ये लोग ये कहते हैं सीधे कि हमारा फ़ोन नहीं उठाता प्रशासन, हमारी बात नहीं सुनता प्रशासन। विधायक क्या आप घास खोदने को बने हैं? विधायक आप बने हैं तो आपको काम करवाने पड़ेंगे शिवपुरी के, और यदि आप 5 साल शिवपुरी में खड़े होकर शिवपुरी का विकास नहीं करेंगे तो मेरे काम में रह के आप शिवपुरी का विकास नहीं कर सकते। दूसरा, शिवपुरी की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बेहद बुरी तरह से लाचार और अपंग स्थिति में है। पूरे ज़िले में सारे अस्पताल जो भी हैं वो रेफरल हॉस्पिटल बने हुए हैं, कहीं पे भी कोई इलाज की प्रॉपर व्यवस्था नहीं है। शिक्षा की व्यवस्था बेहद बुरी हालत में है। आपकी बात सुनेंगे, बाकी चीज़ें रखेंगे। इसी क्रम में मैं चाहूँगा कि हमारे शहर के वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं, मैं चाहूँगा कि आप 1 मिनट में इस बात को थोड़ा सा डिस्क्राइब करें मुझे कि किन मुद्दों पर, चारों ही पार्टियों की बातें अभी अपन ने सुनी, ये इनके मुद्दे थे, तो किन मुद्दों पे आपको लगता है कि मध्य प्रदेश का भविष्य तय होगा, शिवपुरी के 5 विधानसभाओं का भविष्य तय होगा? अजय राज जी, जैसा कि यहाँ
हमारे जनप्रतिनिधि बैठे हुए हैं उसमें एक पार्टी सपाक्स है जो अभी दो दिन पहले अस्तित्व में आई है, एक पार्टी आप पार्टी है जिसने दिल्ली में तहलका मचाया, और बाकी के दोनों प्रमुख दल भाजपा और कांग्रेस के प्रतिनिधि यहाँ बैठे हुए हैं। लंबे टाइम से देखा जाए तो मध्य प्रदेश में सरकार जो बनी वो कभी भाजपा और कभी कांग्रेस के बीच में ही झूलती रही, और तकरीबन पिछले 15 साल से इस समय भाजपा की सरकार बनी हुई है। तो मेरा मानना ये भी है कि जहाँ विकास के मुद्दे पर जो मध्य प्रदेश को जो स्थान मिलना चाहिए था वो मुझे नहीं लगता कि हुआ। जैसा कि मेरे मित्र धैर्य जी ने कहा कि सड़कों का हमने एक जाल बिछाया, वर्तमान पोजीशन अभी भी सामने है जहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह जी विदेशों में जाके दिल्ली और पेरिस की सड़कें बताते हैं मध्य प्रदेश की सड़कों को, वैसी स्थिति मध्य प्रदेश का आम जनता ने जब देखा है तब ऐसी स्थिति तो नहीं मिली। नेशनल हाईवे जो बने वो बहुत निम्न क्वालिटी के अभी भी बन रहे हैं। ताज़ा उदाहरण में अपने शिवपुरी के आसपास का हाईवे आप देख लीजिए जो पूरी तरह से नीचे चला गया। तो ये विकास जो हो रहा है कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता आपको कि भ्रष्टाचार की इसमें दीमक लगी हुई है कि जिस तरह से ये काम होना चाहिए वो नहीं हुआ? शिक्षा की स्थिति देख लीजिए, स्वास्थ्य की स्थिति देख लीजिए, डॉक्टरों का पूरे मध्य प्रदेश में टूटा है। तो ऐसे हालात, ये तो व्यक्ति की मूलभूत सुविधाएं हैं जो उसे चाहिए। मैं आपसे सिर्फ एक सवाल रखना चाहूंगा आपके माध्यम से कि क्या आपको लगता है कि शिवपुरी का विकास मध्य प्रदेश के विकास से पिछड़ गया है? बिल्कुल, शिवपुरी के विकास बिल्कुल बिल्कुल पिछड़ गया है। पता नहीं क्यों शिवपुरी को उपेक्षित सा माना गया है। एक कारण ये भी मुझे कभी कभी समझ में आता है क्योंकि यहाँ पे जो भी राजनीतिक कड़ियाँ घूमती हैं वो महल के अर्ध गिर्द घूमती हैं, और न जाने क्यों यहाँ की क्षेत्रीय विधायक जो हैं उनको भी प्रदेश सरकार उतना वजन नहीं दे पा रही, सिंधिया जी को भी उतना वजन नहीं दे पा रहे हैं, आपस में इन लोगों में ये चल रही है। तो उसके चक्कर में जो दुर्भाग्यजनक स्थिति है वो शिवपुरी जिले की है कि यहाँ कोई विकास की ऐसी परियोजनाएं आती बहुत सारी हैं लेकिन क्रियान्वित होने में उसमें हमेशा संशय की स्थिति रहती है। चलिए अब हम अपने सवालों को लेकर बात करेंगे क्योंकि हमारा पहला सवाल, क्योंकि 14.5 साल से शासन में भाजपा है और पहला सवाल मेरा भाजपा से ही है कि शिवपुरी का कहना है कि शिवपुरी को अपेक्षित किया गया है, शिवपुरी से माननीय विधायक महोदय शुभराय सिंधिया जी हैं, मंत्री भी है वो, प्रदेश सरकार में कद्दावर मंत्री मानी जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी शिवपुरी को उपेक्षित माना जाता है। चाहे जल की बात करें, सबसे पहले बात करेंगे शिवपुरी का मुख्य मुद्दा सन 2008 से जल आवर्धन योजना पे काम हो रहा है लेकिन आज 2018 फिर भी जनता सिंध का पानी नहीं पी पा रही। चाहे अब आप इस पर बात करें, दूसरा मुद्दा आता है अपना जल आवर्धन योजना, दूसरी बात आती है सीवर प्रोजेक्ट। सीवर प्रोजेक्ट भी आज पूरे शहर को खोद के रख दिया गया है लेकिन सीवर प्रोजेक्ट के नाम पर सिर्फ लीला पोती की जा रही है, फाइलें चलती जा रही है लेकिन काम नहीं हो रहा। तीसरा मुद्दा आता है, चाहे अपन बात करें स्वास्थ्य की स्थिति में कहीं ना कहीं आप मानेंगे कि शहर पीछे है। दतिया और शिवपुरी साथ में मेडिकल कॉलेज सेंक्शन हुए थे लेकिन दतिया का मेडिकल कॉलेज चालू हो चुका है, शिवपुरी के मेडिकल कॉलेज का भी अता पता नहीं है। जहां तक उनकी भर्ती के भी मामले में तो उनमें घोटाले चालू हो चुके हैं, अभी से घोटालों की स्थितियों में आने लगा है। तो इस पे आपका क्या कहना है? लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई। शिवपुरी में पेयजल का जो मामला है, दरअसल हमारे 3 नगर पालिकाओं के कार्यकाल की भूमिका ठीक नहीं रही। पहली नगर पालिका कांग्रेस के नेता थे जो निर्दलीय के तौर पर नगर पालिका अध्यक्ष रहे, दूसरी नगर पालिका भारतीय जनता पार्टी की थी महिला सुप्रदीन, तीसरी अभी कांग्रेस के नगर पालिका अध्यक्ष, इन तीनों की भूमिका ठीक नहीं रही। और नगर पालिका के अधिकारियों, नगर पालिका के जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर के काम करने वाली कंपनी ने खेल खेला, उसके कारण से योजना में विलम्ब हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते मैं सच में क्षमा प्रार्थी हूँ कि लोगों को बहुत तकलीफ हुई है, पर जब जगह तब सवेरा देर आए दुरुस्त आए, ये सब तकलीफ तो शिवपुरी के भाग्य में लिखी थी वो झेल ली, पर शिवपुरी के लोगों को पीने का पानी उपलब्ध नहीं था, विलम्ब हुआ। इस पर शुभ पानी लोगों के घरों तक पहुँचेगा इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। एक बड़ी बाधा इसमें जो थी कि वो पाइपलाइन पता नहीं किस विद्वान अफसर ने उसको क्या सोच कर डाला, बाद में बताया गया कि ये तो इतना हीट झेलने की क्षमता ही नहीं इस पाइप में, ये तो रशिया के लिए बने थे। मैं आज भी आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ उसकी जांच होनी चाहिए, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए जिसका वो डिसीजन था, क्योंकि मैंने भी मध्य प्रदेश में सरकार आपकी है, अधिकारी आपके हैं, प्रशासन आपका है, फिर भी कार्रवाई आप कह रहे हो होनी चाहिए। कार्रवाई लंबित है, उसमें जांच जारी है और लोगों ने उसमें जांच के लिए आवेदन दिया था,
उसमें विधि सम्मत जो कार्रवाई होनी चाहिए तो प्रारंभ है। पर मैं यहाँ बात कर रहा हूँ पानी की उपलब्धता की। नए सिरे से मध्य प्रदेश की सरकार ने शिवपुरी की पीड़ा को महसूस किया। दूसरी पाइपलाइन जो आयरन कॉस्ट की है या जो अलग प्रकार की धातु है इसमें ज़्यादा फेथ है लोगों को, तो ओपन लाइन डालने के लिए टेंडर हो चुका। कहीं ना कहीं जनता के पैसे का दुरुपयोग हुआ ना बड़ी मात्रा में। बेईमान लोग दुरुपयोग करते हैं, उनके खिलाफ एक्शन भी होता है। 15 साल 10 साल की एक योजना, मैंने बता रहा नगर पालिका ज्यादा केवल ऐसा क्यों होता है जी कि भाजपा कांग्रेस के ऊपर। मैं इस मामले में हमारे वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, उनसे सवाल लेना चाहूंगा, क्या कहना चाहते हैं आप? धर जी ऐसा क्यों होता है कि भाजपा अपना दोषारोपण कांग्रेस पे कर देगी, कांग्रेस अपना दोषारोपण भाजपा पे कर देगी? ऐसी क्या स्थितियां हो रही हैं कि एक दूसरे पे सिर्फ दोषारोपण होता है और जनता तमाशा देखती है? आपकी जितनी भी बड़ी योजनाएं आई हैं, मार्च 30 किलोमीटर की परियोजना जिसमें पानी 30-35 किलोमीटर से शिवपुरी लाना था वो 10 साल में नहीं आ पा रहा। आपकी प्रदेश में सरकार है, आपकी देश में सरकार है, अब कौन कार्रवाई करने के लिए आएगा? मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि अफसरों पे आपकी पकड़ नहीं है, कौन कार्रवाई करने आएगा? देखिए इस पूरे वार्तालाप में मैंने दो महत्वपूर्ण बातें कही। सबसे पहले तो मैंने क्षमा याचना की है विलम्ब होने के कारण लोगों को परेशान हुई, पर दूसरी महत्वपूर्ण बात एक और कही मैंने, राज्य सरकार का काम है योजना को स्वीकृत करना और उसके अनुरूप आवश्यक बजट उपलब्ध कराना। केंद्रीय सरकार से योजना स्वीकृत भी, मेरी बात सुनिए, केंद्रीय योजना ने उसको प्रारंभ किया पर राज्य सरकार ने भी उसको पैसा दिया ना। बिल्कुल दिया, आपकी बात दोनों की बात है बिल्कुल, परंतु पानी के मामले में वर्किंग एजेंसी कौन है? नोडल एजेंसी नगर पालिका है। नगर पालिका ने उस संबंधित जो गुजरात की कंपनी है उसके साथ मिलकर के ये जाल बुना और इतनी कमीशन कोरी हुई नगर पालिका में, किसी से छिपी हुई बात नहीं है, उसी के कारण से उस पर जांच संधारित की गई है, एक्शन भी उस पर होगा और कुछ एक्शन उस पर हुआ भी है, वो मैं ज़्यादा उल्लेख उसको नहीं करना चाहता। चलिए इस मामले में हम सवाल लेंगे कांग्रेस से हमारे प्रवक्ता मौजूद अजीत भदौरिया जी से। भदौरिया जी, मुझे ये बताएं कि अगर नगर पालिका आपकी है, नगर पालिका अध्यक्ष आपका है, फिर भी प्रोजेक्ट में इतनी देरी और इतनी जो इनके द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं कि बड़ी से बड़े लेवल पे इसमें धांधली हुई है, पैसे का हेरफेर हुआ है कंपनी के साथ मिलकर, ये क्या कहना है आपका? किसने किया ये आप बताइए? मतलब भ्रष्टाचार और शिवराज और भाजपा ये दोनों पर्याय हो गए, मतलब ऐसे मिल गए हैं जैसे दूध में शक्कर मिल गया, आप उसको अलग नहीं कर सकते। कोई भ्रष्टाचार की भेंट ये शिवपुरी के जितने भी प्रोजेक्ट है, चाहे पेयजल समस्या का प्रोजेक्ट हो या सीवर प्रोजेक्ट हो, भ्रष्टाचार की भेंट चले। यहाँ तक बात कर रहे हैं आप, नगर पालिका कांग्रेस का अभी 3 साल पहले से बना है, प्रशासनिक अधिकारी कौन? भाजपा के सरकार के अधीन है ना प्रशासनिक अधिकारी, भाजपा की सरकार है, नगरी प्रशासन विभाग के अंतर्गत आते हैं ना। नगर पालिका अध्यक्ष अगर काम नहीं कर रहा है ढंग से, आप उसको बर्खास्त करिए या आप दूसरे अधिकारी को वहां बैठा लिए। आज ये नगर पालिका में अभी 2 दिन की बात छोड़ दीजिए, बाकी जो प्रभारी सीएमओ के भरोसे नगर पालिका चला रहे थे, ये जिम्मेदार अधिकारी को तैनात नहीं कर पाए शिवपुरी नगर पालिका में पूरे समय। और बात करते हैं जरा से नगर पालिका अध्यक्ष की, इनकी नगर पालिका अध्यक्ष जो भ्रष्ट थी, इसका स्टाडा जिसको भ्रष्टाचार के आरोप में कोर्ट के दबाव के चलते राज्य शासन ने बर्खास्त करना पड़ा, राज्य शासन को, ऐसे भ्रष्ट लोगों के पूरे प्रोजेक्टों की पूरी शिवपुरी जिले की इतने दुर्गत करके करती पूरी भाजपा सरकार इस पूरे मामले में। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, सीवर प्रोजेक्ट में एजेंसी कौन है, वर्किंग एजेंसी कौन है? सीवर प्रोजेक्ट पी एच सी काम कर रही है, वो तो डायरेक्ट सरकार के अधीन मान लो निश्चित तौर पर, उसमें ऐसी डीजल आबादी और इतना क्यों है? देखिए नगरीय क्षेत्र में सड़कों को खोदना, कुछ मार्गों को चिन्हित करके काम करना और शिवपुरी में जो अधिकारी काम कर रहे थे कहीं ना कहीं मुझे लग रहा क्या अनुभव की कमी थी। और सामान्यतः मशीनरी का एक स्वभाव होता है, वो प्राइवेट सेक्टर की तरह खुद को ये नहीं बताती कि हमारी समास्ट्री नहीं है, ये तकनीकी चूक इसमें अवश्य हुई वरना ये विलम्ब ना होता, इसलिए मैंने क्षमा मांगी है। पर मैं बताऊँ भ्रष्टाचार आपने पेयजल के विषय में मांगी थी, मेरा विषय पर क्षमा है मध्य प्रदेश सरकार की। अब आपका नंबर है तो आप बता देना, मैं इतना अवश्य कहना चाहूँगा कि पर्याप्त पैसा उपलब्ध कराया और जहाँ पर काम में अवरोध आया वहाँ पर उन अधिकारियों को हटाकर ज़्यादा बेहतर अधिकारियों को काम दिया गया है। और जिस मामले में भ्रष्टाचार की गंध आई है, लोगों ने उसकी शिकायत की है, उसको संज्ञान में लिया गया है, उस पर विधि सम्मत कार्रवाई प्रस्तावित है, तो मुझे लगता है
लोगों को धैर्य रखना चाहिए, परिणाम मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि शिवपुरी क्या दुर्भाग्य मानेंगे या शिवपुरी के साथ स्वभाव बढ़ता जाता है कि शिवपुरी में जो अच्छे अधिकारी आते हैं उनको भगा दिया जाता है, चाहे उसमें ओम प्रकाश श्रीवास्तव जी हों जिन्होंने थोड़ा सा काम किया, और चाहे आपका कहना था कि अधिकारी को नॉलेज नहीं थी, अब ऐसे अधिकारी का शुभरी की किस्मत में लिखे, चाहे पेयजल के मामले में ले लिया, कुछ कुछ किसी भी मामले में पूछना चाहूँगा। देखिए जिन कलेक्टर महोदय की बात कर रहा हूँ, ओम प्रकाश श्रीवास्तव जी थी, बहुत संवेदनशील अधिकारी हैं और पूरे जिले का वर्ड ऑफ माउथ बहुत पॉजिटिव रहा उनके कार्यक्रम में, परंतु कभी कभी हमारा जब भाग्य गड़बड़ होता है तो कहीं विपदा आ जाती है। मंदसौर में जिस प्रकार का घटनाक्रम हुआ, तब राज्य सरकार को लगा कि हमें एक ऐसे अफसर की आवश्यकता है जो पब्लिक के साथ कॉन्टेक्ट करे, बहुत संवेदनशीलता के साथ, बहुत शालीनता के साथ संवाद करे और बहुत पोलाइटली इस मामले को हैंडल करे। तो मुझे लगता है कि जब कोहिनूर हीरे पर कोहिनूर की नज़र थी कि कोहिनूर कहाँ है, ओम प्रकाश श्रीवास्तव जी का नजर गई, मतलब उनको आए बुलाकर भेजा गया, उनको आए दो महीने हुए थे, चाहे उन्होंने आईएएस की ट्रेनिंग शिवपुरी में रह के करी है, मेरे हिसाब से तो उनको दो महीने चार महीने में आपने जज कर लिया जी। मध्य प्रदेश शासन के पास कलेक्टर किसी जिले के लिए नहीं होता, कलेक्टर पूरे प्रदेश में काम करता है। प्रदेश में किसी एक स्थान पर आपातकाल जैसी स्थिति बन रही थी, वहाँ लोगों में आक्रोश था, अनेक प्रकार के षड्यंत्र वहाँ राज्य सरकार के खिलाफ भी हो रहे थे, किसानों को भड़काने का प्रयास हो रहा था, कानून व्यवस्था खतरे में थी, तो एक अच्छे ऑफिसर को बुलाना लाजिमी था। और ये तो उनकी योग्यता कि उनका भाजपा के सवाल है, इस विषय में हम कांग्रेस से एक सवाल कब तक क्षमा मांगेंगे ये भाजपा वाले और भाजपा के लोग ये स्वीकार कर ले कि हमारी जनप्रतिनिधि जो यहाँ से शिवपुरी से विधायक है यशोधर राय सिंधिया और दुर्भाग्य से वो मंत्री भी है प्रदेश सरकार में, वो निकृष्ट है, उनको निश्चित रूप से क्या भाजपा के प्रवक्ता कहेंगे कि इस्तीफा दे देना चाहिए अपने नकारापन से, उनकी कार्यशैली शून्य है, वो प्रशासनिक रूप से अक्षम जनप्रतिनिधि है, ना जनता के साथ उनका इंटरेक्शन है, ना प्रशासनिक अधिकारियों के साथ उनका इंटरेक्शन है। इसलिए मेरी नज़र में आप सीवर प्रोजेक्ट के लिए दूसरों को दोषी ठहरा रहे हैं, आप पानी पेयजल प्रोजेक्ट के लिए, क्या मेडिकल कॉलेज जैसे अजय जी आपने बताया कि दतिया और शिवपुरी का एक साथ चालू हुआ, आप अधूरे मेडिकल कॉलेज पे जाके झंडा बंधन कर रही हो, आपको शर्म आना चाहिए, आप मध्य प्रदेश शासन की मंत्री हो, आपने वो प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ वहाँ अपनी क्रेडिट लेने के लिए, कल तक आप खुद कहती थी जब आदरणीय ज्योतिराज सिंधिया जी इसकी स्वीकृति लेके आए थे केंद्र सरकार से, तब आप कहती थी एक कागज के टुकड़े पर मेडिकल कॉलेज नहीं बनता, ये कांग्रेस वालों को समझ जाना चाहिए। आज जब मेडिकल कॉलेज बन गया तब आप अधूरे मेडिकल कॉलेज पे झंडा बंधन करने जा रही, यशोधरा जी आपको इस जिले का इस शिवपुरी का जनप्रतिनिधि रहने का कोई अधिकार नहीं है, आप स्वीकार करिए और आपको इस्तीफा दे देना चाहिए मंत्री के पद पे, क्योंकि आपने जन आकांक्षाओं के ऊपर कुठाराघात किया, जनता ने हमेशा आप पर विश्वास किया, आपने कहा नगर पालिका अध्यक्ष रिस्का अस्थाना को चुनो, जनता ने रिस्का अस्थाना को चुना, उसने इतना भ्रष्टाचार किया, आपने कहा विधायक माखनलाल लाठर को चुनो, शिवपुरी की जनता ने आपको विश्वास किया, विधायक माखनलाल पिछले 15-20 साल में जो आपने शिवपुरी की जनता से कहा शिवपुरी की जनता ने आप पर विश्वास किया, परंतु आपने शिवपुरी की जनता के साथ विश्वासघात किया है, तो आपको जनप्रतिनिधि रहने का कोई अधिकार नहीं है। मेरी नज़र में यशोधर राय सिंधिया को इस्तीफा तत्काल प्रभाव से देना चाहिए। क्या मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा, इसको आप कांग्रेस बीजेपी को थोड़ा सा दूर रखिएगा, मेरा आपसे पर्टिकुलरली सवाल है, क्या आप मानते हैं कांग्रेस के शासनकाल में, मतलब अभी 3 ही साल हुए हैं, आप मानते हैं आपने नगर पालिका को बुला के 3-4 साल हुए, तो क्या 3-4 साल में मुन्ना लाल का शासनकाल बहुत अच्छा रहा है? नहीं देखिए मैं आप मेरा सवाल मैं आपको बता मुन्ना लाल का शासनकाल अगर संतोषजनक नहीं है तो पूरी प्रशासनिक व्यवस्था किसके अधीन है? जनभावनाओं के अनुरूप कार्य नहीं कर रहा है तो एक प्रशासनिक व्यवस्था होती है, आपके पास सीएमओ है, सीएमओ बाध्य नहीं है कि अध्यक्ष जो गलत काम को कहे, या सीओ जिला पंचायत बाध्य नहीं है कि जिला पंचायत का अध्यक्ष ही कहे, या जनपद का सीओ का बाध्य नहीं है कि जनपद अध्यक्ष कहे गलत काम करने के लिए तो वो करे, उसको मॉनिटरिंग करने के लिए बिठाया गया है कि जो नियम अंतर्गत आ रहा है तर्कसंगत है, नियम के अनुसार कार्य किया जाए। जब इनके पास स्वयं ही प्रशासनिक अधिकारी नहीं है, नगर पालिका में परमानेंट सीओ पोस्ट सीएमओ पोस्टिंग नहीं करवा पाए, अभी 2 दिन से वो सीएमओ आ गए, उनका भी बेचारे का बीच में ट्रांसफर हो गया भगादौड़ी करके भोपाल में, पता नहीं रुका कि नहीं रुका, मेरे को जानकारी नहीं है, परंतु प्रशासनिक रूप से पूरी तरह से अक्षम है। और ये शिवपुरी का दुर्भाग्य है अजय जी, इस मध्य प्रदेश के सारे जिले सारे शहरों का विकास हुआ, आप देखिए जरा जरा से छोटे जिले नगर निगम बन गए। इसी मामले में आम आदमी पार्टी से राजनीति, शिवपुरी को लेकर आपको
क्या कहना है, तीन योजनाओं की बात चल रही है बहुत देर से, आप इस चीज को सुन रहे हैं, आपका क्या कहना है? जी, जलावर्धन योजना का जहाँ तक प्रश्न है, जलावर्धन योजना में भारी भ्रष्टाचार हुआ है, कांग्रेस ने भी किया है और भाजपा ने भी, और दोनों ने छोली दामन के साथ की तरह भ्रष्टाचार किया है, इसकी कोई पराकाष्ठा नहीं हो सकती, इतना किया। मैंने योजना 60 करोड़ से लेके 120 करोड़ को पहुँचा दी गई, योजना में अपने खास लोगों को ठेके दिए गए, पाइप की सप्लाई तक उन जनप्रतिनिधियों के, यशोधरा राजे के खास संपर्क के लोगों से कराई गई, और वो पाइप फेल गए। वो पाइप उतने प्रेशर पे फट जाते हैं जितने प्रेशर पे उन पाइपों में पानी चलाया जाना था। आपने क्या किया इसके लिए, क्योंकि आप एक एडवोकेट भी हैं, मैं जानना चाहूँगा। मैंने इसके लिए हाई कोर्ट में याचिका फाइल की, 2014 में काम रुकवा दिया गया था फॉरेस्ट द्वारा, उस काम को मैंने हाईकोर्ट से आदेश करा के शरद गौर का आदेश खारिज कराया और योजना को पुनः चालू कराया। ये तो योजना को बंद कर देना चाहते थे 60 करोड़ खाके, ये तो इस स्थिति में पहुंचा चुके थे योजना को, जिसमें हाईकोर्ट, माननीय हाईकोर्ट ने इसमें लगातार वीकली और पखवाड़े में 15 दिन में प्रतिवेदन मांगे हैं कलेक्टर शिवपुरी से, तब ये इतना काम हुआ है। यशोधरा जी बस बटन दबाने का काम करती हैं, इसके सिवा वही माला चढ़ाना, वही शिलान्यास करना और वही बटन दबाना, इससे ज़्यादा यशोधरा जी की कोई योग्यता नहीं है। पहले उनको वो बनाया गया था मंत्री उद्योग का, तो इनने करोड़ों रुपए के बाहर से लोगों को बुला के और फाइव स्टार होटलों में ठहरवा के जो करोड़ों रुपए बर्बाद किए थे, और उसके बाद में एक रुपए का, आपने एक मुख्य मुद्दा इसमें उत्पन्न किया है, बेरोजगारी शिवपुरी में। क्या आप लोग, क्या आप मानते हैं कि बेरोजगारी है ज़्यादा? रोजगारी तो सब दूर है, पर मध्य प्रदेश की सरकार ने अनेक स्तरों पर प्रयास किया है, राष्ट्रीय सरकार ने भी प्रयास किया, चाहे मुद्रा लोन हो, चाहे अन्य प्रकार से लोगों को ऋण उपलब्ध कराने की व्यवस्था हो। सरकारी नौकरियों की भी अगर हम बात करें तो कांग्रेस की सरकार में सीधे सीधे लोग ये मानते थे कि इंटरव्यू की आड़ में पैसा लेकर के लोग भर्ती करते थे, ये दृश्य बहुत सामान्य बात थी। पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद योग्यता के आधार पर लोगों को नौकरियाँ मिल रही, चाहे पटवारी हो, चाहे शिक्षक हो, चाहे फॉरेस्ट गार्ड हो, चाहे महिला बाल विकास की कर्मचारी हो, रोजगार उपलब्ध कराने का बहुत तरह का प्रयास। उसके बाद व्यापम घोटाला क्या था? देखिए, व्यापम घोटाले में देखने का नजरिया अलग है। व्यापम घोटाले में कुछ तो गलत हुआ ही, हम भी स्वीकार करते हैं, और जो लोग शिकायत करने गए उनसे किसी को कोई आपत्ति नहीं, परंतु CBI पर विश्वास करना चाहिए। लोगों का पता नहीं है, मेरी बात सुनिए, CBI इस देश में है, हिंदुस्तान की अलग अलग प्रकार की अदालतें इस देश में ईमानदारी से अपना काम कर रही हैं। आप अदालत के दरवाजे जा रहे हैं, आप पर्याप्त सबूत लेकर क्यों नहीं जा रहे हैं? आप टेम्परम करके क्यों पहुंच रहे हैं? आप अभिलेखों में छेड़खानी करके क्यों पहुंच रहे हैं? आपको अदालत के सामने सीधे सीधे सबूत रखने चाहिए थे कि दोषी को दंडित करो। आपने ये बात स्वीकार करी कि व्यापम घोटाला हुआ है? देखिए, व्यापम घोटाले को लेकर के आपत्ति है, व्यापम घोटाले को लेकर के अनेक आरोप प्रत्यारोप लगे हुए, मैं इसको स्वीकार रहा हूँ, और उसके खिलाफ लोग अदालत में भी गए, परंतु अदालत सबको फटकार लग रही है, क्योंकि वो जालसाजी कर रहे हैं, कूट रचना कर रहे हैं। जब हम किसी के खिलाफ जा रहे हैं तो हमको भी तो नैतिक होना चाहिए। जो उसमें दलाल हैं, जो उसमें ब्लैकमेलर्स हैं, जो उस पाप के गठजोड़ के हिस्से हैं, शिवपुरी में रोजगार के क्या साधन उपलब्ध कराए गए 15 साल? शिवपुरी में देखिए, मध्य प्रदेश में देश में जो आर्थिक उन्नति के लिए नौकरियां या वित्तीय अनुदान उपलब्ध कराए गए वो शिवपुरी में भी दिए गए, और शिवपुरी में मेरा एक ही सवाल है कि मैं बात कहीं की नहीं कर रहा, पूरे मध्य प्रदेश में कहीं की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ शिवपुरी की आपसे शुरू में कहा था कि 5 विधानसभा मेरा फोकस है, उसी में बात कर रहा हूँ। मेरा एक ही चीज़ कहना है कि उद्योग मंत्री यहाँ से रही, चाहे वो 2 साल रही, चाहे 4 साल रही, मेरा उससे कोई मतलब नहीं, कद्दावर मंत्री है। उसके बाद भी शिवपुरी से प्रहलाद भारती जी 2 बार से प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि हैं। उसके अलावा आप कम से कम शिवपुरी से 3 राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त मंत्री हैं। इस तरीके से कई बड़े नेता शिवपुरी से हैं, यहाँ तक कि भारतीय किसान, आपके किसान संघ जो आपका बना हुआ है किसान मोर्चा, उसके भी प्रदेश अध्यक्ष यहीं से हैं।
मतलब बड़े बड़े नेता शिवपुरी को बिलोंग करते हैं, फिर भी रोजगार के मामले में, बेरोजगारी के मामले में शिवपुरी में सिर्फ एक खेती बचा हुआ है। कोई रोजगार का साधन उपलब्ध नहीं करा रहा शासन की कोई योजना नहीं है। एक बची बुची शिवपुरी में फैक्ट्री थी वो भी बंद हो गई। क्या कहना है इस पर? मुझे लगता है कि मानस भवन में, गांधी पार्क में कुछ कार्यक्रमों में आप भी गए थे, रोजगार मेले लगाए, अनेक बार लगाए। हमारी विधायक श्रीमती यशोधरा जी ने बहुत व्यक्तिगत तौर पर रुचि लेकर के बहुत सारी कंपनियों को, बहुत सारे व्यवसायिक संस्थानों को वहाँ आमंत्रित करके लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया। अब योग्यता के अनुरूप प्रारंभिक तौर पर जो रोजगार मिलना चाहिए वो लोगों को मिला है। मैं उस चीज से सहमत हूँ कि रोजगार लोगों को आपने उपलब्ध कराया, मेला लगवाया। क्या मेला लगवाने से पूर्ति हो गई रोजगार की? नहीं, वहाँ संख्या लोग रोजगार प्राप्त करके ज्वाइनिंग दी है लोगों ने। लेकिन क्या आप लोगों ने कभी ये जानने का प्रयास किया कि इन रोजगार बिलों से कितनी बेरोजगारी दूर हुई? क्या आप जिस चीज के लिए ऋण वितरण बोल रहे हैं उस ऋण पर वितरण में क्या वास्तविक हितग्राही को ऋण मिलना इतना आसान है जितना आप लोग ढिंढोरे पीटते हैं? केवल एक बार आप इस चीज को देखिएगा। एक लंबे समय से, चूंकि आप भी शिवपुरी से रिलेटेड हैं, आपको पता है कि यह सबसे महत्वपूर्ण चीज, एक रोजगार का जो साधन थी जो लंबे टाइम से चली आ रही थी, शिवपुरी में पत्थर बना है। आज की डेट में वो बंद पड़ी हुई है। क्यों पड़ी हुई है? क्या वो रोजगार का पर्याप्त जरिया नहीं थी? इसके अलावा सेकेंड माइनिंग, खनिज, राजस्व विभाग के अंतर्गत रेत की यहाँ बहुत अच्छा काम है जो कभी बंद नहीं हुआ, आपको भी पता है, और कागजों में बंद पड़ा हुआ है। जो लोग उस काम को कर रहे हैं वो लोग कौन है कि आप नहीं जानते? कहाँ से रिलेटेड है वो? कांग्रेस के या सपाक्स के या आप पार्टी के लोग तो नहीं हो सकते? कुछ दिनों पहले आपत्ति है, मुझे आपत्ति है जी, जहाँ तक आपने रेत माफिया की बात की है, सोशल मीडिया पर एक फोटो निकला था कि लाहार के पास का कांग्रेस का नेता जिसके ज्योतिराज सिंधिया जी भोजन करके आए, उसके घर गए एक दो बार, वो वहाँ का मुख्य माफिया जिस पर एक्शन हुआ। इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि कांग्रेस के लोग इन्वॉल्व नहीं है। वो शिवपुरी जिले में आपको ये पता है कि यहाँ खुलेआम वसूलियाँ हुई, कोई गाड़ियां खड़ी होके और एक अलग से पर्चियां काटना शुरू कर गई थी। जब रेत खदानें बंद हैं तो वो कैसे रेत आ रही है? रेत आ रही है अगर तो वो पर्चियां कैसे कट रही है? क्या प्रशासन पे आप लोगों की पकड़ नहीं है? बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। आज भी रेत का काम पिछड़ खनियादाना में केबी सिंह जी के लोगों पर ही है, और नरवर का मैं आपको बता चुका हूँ। समय समय पर अवैध उत्खनन को लेकर भारतीय जनता पार्टी, जब जनता पार्टी का शासन है तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि वो, मैं कह रहा हूँ एक बात मुझे आप बताएं, आज मान के चलिए जनता पार्टी का शासन है, अगर जनता पार्टी का आदमी गलत करता है उसको एक बार को बचाया जाए, वो एक अलग सेक्टर है मान सकता हूँ मैं, लेकिन जब कांग्रेस का आदमी इस तरीके कर रहा है तो बिल्कुल ही गलत है, पूरी तरीके से गलत। देखिए मेरी बात सुनिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तमाम हर महीने आप ये खबर पढ़ते हैं कि डंपर पर जुर्माना किया गया, अवैध परिवहन की गाड़ियों को पकड़ा गया, पर चूंकि आरोप इन्होंने लगाया कि कांग्रेस से कोई नहीं है, इसलिए मुझे दो नामों का उल्लेख करना पड़ा, क्योंकि जो माफिया होते हैं वो अपनी आदतों से, फितरतों से बाज नहीं आते, और रेत उनके लिए गोल्डन माइन है, वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार करके 2 घंटे में छोड़ दिया जाता है, जो कार्रवाई भाजपा शासन द्वारा की जाती है। मैंने रेत माफिया की अगर ट्रॉली पकड़ी, डंपर पकड़ा, 2 घंटे बाद उसका रफारफ हो जाता है। ये सबसे बड़ी कितने में हो जाता है रफारफ? अब वो जो भी होता है, इनका डील होता है। अगर आप सच्चाई से जिस तरीके से दिल्ली में आपकी सरकार आई, दोबारा हिलाना चाहते हैं तो आप बताएं ना, ओपन करें उसको, क्या दिक्कत है? मैं बताता हूं, अंदर कमरे में क्या होता है ये कोई नहीं जानता, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं होती और वो केस कोर्ट में केस नहीं जाता, इसका सबूत क्या है कि वो डंपर कैसे छूट गया? जब डंपर पकड़ा गया, इनने बताया, अभी एडमिट किया कि डंपर पकड़े जाते हैं,
रेत माफिया के डंपर पकड़े। डंपर में क्या कार्रवाई आप एडवोकेट में आपसे जानना चाहूंगा, डंपर पकड़ने के बाद क्या कार्रवाई होगी? डंपर पकड़ने के बाद में अवैध परिवहन रेत का करने के उसमें राजसात हो जाने चाहिए डंपर, वो राजसात तो मैंने एक भी केस नहीं देखा। मैंने ये देखा कि दो घंटे बाद डंपर छूट गया, अंदर कमरे में क्या हुआ? देखिए उसमें दंड का विधान है, पहली बार यदि कोई अपराध है उस पर आर्थिक दंड किया जाता है, दूसरी बार में उसको दंड को बढ़ाया जाता है, और यदि वो अत्यंत अपराधी राजसात भी होते हैं। धैर्य जी, क्या ऐसा हो सकता है कि डंपर पकड़ने, अजय जी मैं धैर्य जी से जानना चाहूंगा, बंद है और उसके बाद में रोड पे चल रहा हो, जैसा कि अभी ताजा घटनाक्रम आपके सामने करेरा का आया होगा, आपका है पुलिस प्रशासन, आपका इस तरह का प्रश्न मेरी जानकारी में नहीं किसी एक मैं इसी मामले में अभी शुभ्री की अपन ने बात करी काफी देर, शुभ्री मैं मानूंगा लोकल की चर्चा होती रही, शुभ्री जिले से रिलेटेड मेडिकल कॉलेज की चर्चा होती रही, काफी जिलों की चर्चा होती रही। अब मैं जानना चाहूंगा पांच चाय अपन पिछोर विधानसभा को ले लें, करेरा विधानसभा को ले लें, करेरा से कांग्रेस की विधायक, करेरा में कांग्रेस ने क्या क्या विकास कार्य कराए, मैं उनको लाना चाहूंगा दोनों। अजय जी, सबसे पहले तो मैं भाजपा के प्रवक्ता द्वारा जो कांग्रेस के विधायक के पी सिंह जी का नाम दिया गया उस पर मैं बुरा आपत्ति करता हूँ। के पी सिंह जी के नाम से कहीं पर कोई व्यापार नहीं है, ये दिखा के देखिए, तो खनिया लाना या पिछोर में जो भी अगर अवैध खदानें चल रही हैं तो उसमें गलती भाजपा सरकार की है, उनका नकारापन है, निकम्मापन है। परंतु जहाँ तक कांग्रेस विधायक की बात है, कांग्रेस विधायक का उसमें कहीं पर भी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ना उनके किसी परिवारजन के नाम पर खदान है, ना उनके नाम पर। मैं आपको बता दूँ, सबसे पहले तो ये चीज़ स्पष्ट करना चाहूँगा, क्योंकि ये अपनी कमजोरी छुपाने के लिए किसी के ऊपर हरगर आलोक भाजपा का लगाना, ये उनकी, मैं उनसे इस मामले में प्रश्न लूंगा। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि कांग्रेस का विधायक है, पांच साल से करेरा में क्या विकास हुआ? देखिए, जहाँ तक करेरा की बात है, करेरा के विकास में जो विधायक निधि के अंतर्गत जो काम कराए जा सकते हो, चाहे वो सीसी रोड के काम हो, खरंजे की काम हो, विधायक निधि का जहाँ पे भी जो काम होगा, करेरा विधायक का लगातार कई बड़े बड़े आरोप लगे इन पांच सालों में, बहुत बड़े बड़े, उनपे उसको लेके आपको क्या कहना? नहीं, आरोप लगे हैं, मैं आपको बताऊँ, आरोप तो दुनिया पे लगते हैं, सरकार आपकी अगर विपक्ष में रह के आरोप कोई लगाए तो समझ में आता है कि भाई सरकार दूसरे की है, अगर भाजपा विपक्ष में आरोप, मैं जनता के आरोपों की बात कर रहा हूँ, मैं बात भाजपा और कांग्रेस के आरोपों की नहीं कर रहा, मैं जनता के आरोपों की बात कर रहा हूँ, जैसे अवैध उत्खनन में उनके पुत्रों का संलग्न होना, उसके अलावा मैं आपको मैं बात करना चाह रहा हूँ आपसे, इसके अलावा भी कई ऐसे बड़े आरोप हैं जो आपको भी जानकारी होगी, जो लगे हैं, थाने में जाके आग लगाने वाली प्रसंग हुआ था, काफी लंबा चला, सुप्रीम कोर्ट से जाके जमानत उसमें हो पाई है, वो भी वीडियो तक वायरल हुई, इस पर आपका क्या कहना? नहीं देखिए, अगर कोई भी जनप्रतिनिधि चुन के आता है किसी भी पार्टी का, तो निश्चित रूप से उसकी सबसे पहले जिम्मेदारी होती है जनमानस के अनुरूप कार्य करना और अपना एक शिष्टाचार को कायम रखना। अगर कोई भी जनप्रतिनिधि किसी भी पार्टी का हो, चाहे वो कांग्रेस का हो या भाजपा का, अगर शिष्टाचार को वो बना के नहीं रखेगा, जनभावना के अनुरूप काम नहीं करेगा, तो अगले चुनाव में या तो पार्टी इसको चेंज कर देगी या जनता उसको चेंज कर देगी। तो निश्चित रूप से क्या मेरा जहाँ तक बात है, विकास की बात है, उन्होंने विधायक निधि के अनुरूप जितना विकास किया, परंतु उनका आचरण, मैं सिर्फ आपसे एक विकास कार्य जानना चाहूंगा, कोरहरा में एक विकास कार्य मुझे बता दे जो बड़ा हुआ हो, जो उन्होंने किया। देखिए, जनप्रतिनिधि, उन्होंने, मैंने आपको कहा ना, विधायक निधि के अंतर्गत विपक्ष की विधायक है, मेरी बात सुनिए, विधायक निधि भी बहुत होती है, अगर आप एक कार्य की बात कर रहा हूँ सर, मैं एक कार्य, देखिए मेरी बात सुनिए, उन्होंने बहुत खरंजे, सीसी रोड, नलकूप उत्खनन सब जगह कराए, नलकूप खनन यहाँ तक चलिए, विपक्ष के विधायक की बात सुनिए, नहीं विधायक निधि के अंतर्गत भी काम होते हैं सोलंकी जी, जहाँ तक विपक्ष के विधायक की बात है, आपने अभी कोलारस का उपचुनाव में देखा कितना मुद्दा उठा, वो स्टॉप डैम वाला, वो राम सिंह यादव जी ने कांग्रेस के तत्कालीन विधायक थे, उनने प्रश्न लगाया विधानसभा में, भाजपा के सिंचाई मंत्री ने उसको मना कर दिया, परंतु जहाँ उपचुनाव की बात आई, जहाँ जनता को बरन लाने की बात आई, मुख्यमंत्री ने स्वयं आके उसका उद्घाटन कर दिया। चलिए, ये सब चीजें, एक प्रश्न लेना चाहूंगा, पिछोर में कांग्रेस का विधायक, पिछोर का एक कार्य मुझे, विकास कार्य बताएं, जो विकास कार्य बड़े सब जो हुआ पिछोर का। मैं आपको बताऊं क्या विकास कार्य नहीं हुआ, छह साल छह बार से विधायक हूं, इस बात से आप सहमत हैं? बिल्कुल, छह बार से विधायक हूं, मैं एक विकास कार्य जानना चाह रहा हूं, पिछोर के लिए क्या विकास कार्य हुआ? क्या विकास कार्य नहीं, आप मेरी बात नहीं समझ, मैं आपसे संतुष्टि मांगना चाह रहा हूं, ये पांच साल में एक विकास कार्य पूछना चाह रहा हूं। देखिए, उन्होंने पूरी पिछोर की जो कनेक्टिविटी रोड है, चाहे वो सिरसों से लेकर पिछोर तक की, वो रोड को स्वीकृत करा के उसका निर्माण कार्य चालू कराया, जहाँ तक जो भी रोड है उन रोडों का पूरा विकास कार्य कराया। पिछोर विधानसभा की बात करें, हर एक गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, हर एक गांव में माध्यमिक शाला है, सब शालाओं का, सारे पिछोर में पूरे सड़कों का जाल बिछा के रखा,
मैं तो आपसे कहूंगा अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश की गिनी चुनी विधानसभाओं में किशोर विधानसभा जहाँ होगी वहाँ पिछले 25-30 साल में विकास की गंगा बही है। चलिए इस मामले में मैं सपाक्स के पास आऊँगा। सपाक्स से बहुत देर से बात नहीं करी क्योंकि सपाक्स अभी मैं मानूंगा कि मध्य प्रदेश में सपाक्स का जन्म हुआ है और सपाक्स कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की दोनों ही मुख्य पार्टियों को सपाक्स सपाक्स को दोनों सपाक्स ने उसको हिला दिया कहीं ना कहीं। इस बात को अपन लोग सहमत हैं इस चीज़ों से। तो मैं जानना चाहूँगा कि आप अगर चुनाव में उतरते हैं क्योंकि ये कहा जा रहा है 230 विधानसभाओं पे सपाक्स अपने प्रतिनिधि उतारेंगे, अगर क्योंकि बहुत कम समय तैयारी का समय है नहीं सपाक्स के पास, लेकिन सपाक्स के पास है जनता का सपोर्ट जो मुझे समझ में आ रहा है जो मैं देख रहा हूँ, तो वो जनता के सपोर्ट के माध्यम से अगर आप 230 विधानसभाओं से तो उतरे आपका आपके मूल उद्देश्य क्या है उन पर उनको लेकर? हमारा मूल उद्देश्य तो एक तो आरक्षण को लेकर। सपाक्स का जन्म किस कारण से हुआ? सपाक्स का जन्म हुआ है एक तो आर्थिक आधार पर आरक्षण को लेकर, क्योंकि इससे क्या हो रहा है कि जो गरीब है वो गरीब है, अमीर है वो उसके लाभ लेते जा रहे हैं। दूसरा एडोसिटी एक्ट है। तीसरा मुद्दा भ्रष्टाचार, चाहे सरकार कांग्रेस की हो चाहे भाजपा की हो। जैसे भी आप चर्चा कर रहे थे नगर पालिका की, आपने मुझसे नहीं पूछा, अगर जनप्रतिनिधि ईमानदार होते तो सीवर लाइन सक्सेस हो जाती और वाटर सप्लाई सक्सेस हो जाती। मैं ठेकेदारी की व्यवसाय जुड़ा हुआ हूँ, जहाँ तक मेरी जानकारी में है किसी भी मटेरियल को उपयोग करने के पहले उसको टेस्ट कराया जाता है। सहमत हूँ आपके पास, अगर जो पाइप सप्लाई हुए थे उनकी टेस्टिंग कराई जाती निश्चित तो फेल होते, जब फेल होते तो उपयोग नहीं किया जाता उनका, गलत सप्लाई हुई एक बात। जहाँ तक सीवर लाइन की बात है, सीवर लाइन हमेशा टेल टू हेड डाली जाती है, टेस्टिंग होती चले बराबर से, और पूरे शहर में उसके PBM लिए जाते हैं, बेंचमार्क बनाए जाते हैं, लिहाजा इसलिए क्योंकि आप इस मामले में काम करते हैं। पूरे शहर में कहीं भी TBM बेंचमार्क नहीं है पूरे में, जहाँ मर्जी है खोद दिया, कोई लेवल ऊंचा है कोई नीचा है। आपके ओपिनियन से क्या ये सीवर लाइन सक्सेस होगी? 100% फेल, 100% फेल है वाटर सप्लाई की तरह। चलिए इस मामले में मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, एक छोटा सा प्रश्न है मेरा भाजपा से। अभी लगातार दो बड़े घटनाक्रम हुए हैं शहर के अंदर शिवपुरी कलेक्टर को लेकर, आपके भी शायद नॉलेज में होगा, ABVP के छात्र संघ वहाँ पे गए थे एक छोटे से घोटाले को लेकर, छोटा तो नहीं कहूँगा घोटाला तो काफ़ी बड़ा है, जिसको अपन माने स्कूल ड्रेस घोटाला कहा गया, उसको लेके कलेक्टर साहब ने नीचे उतर के ज्ञापन लेते टाइम ही काफ़ी विवाद चला, काफ़ी बड़ी बहस चली, ऐसे किसानों का ज्ञापन को लेके काफ़ी बहस चली, काफ़ी बड़ा मुद्दा गर्म हुआ। क्या उसको लेके आप लोगों का कुछ कहना है कि मतलब इतना नौकरशाही इतनी हावी है BJP के शासनकाल में कि वो ज्ञापन लेने में उन्हें प्रॉब्लम हो जाए? नौकरशाही हावी आप तब कहेंगे कि मध्य प्रदेश के सारे कलेक्टर ज्ञापन लेने से इनकार कर रहे हैं। ये व्यक्ति का अपना व्यक्तित्व होता है, कलेक्टर होने का अर्थ ये नहीं है कि आपके अंदर राजसी भाव आ जाए। आप प्रशासनिक तौर पर शक्ति के तौर पर आखिरकार उस जिले की जनता के कल्याण के लिए सेवा के लिए उन तक उनके हित पहुंचाने के लिए सरकारी योजनाओं को उन तक पहुंचाने के लिए कानून के अंतर्गत उनको लाभान्वित करने के लिए ये सब काम आपको दिया है सरकार ने संविधान में, और योग्य व्यक्ति को और ज़्यादा विनम्र होना चाहिए। पर उस घटनाक्रम के दौरान जो व्यवहार था जिसके कारण वह विवाद उत्पन्न हुआ वो चिंताजनक था। इसके अलावा एक उसी समय आपके कार्यालय मंत्री थे, उनके साथ भी एक दुखद उस समय घटनाक्रम हुआ कि वो उनको काफ़ी ज़्यादा एडमिट थे शायद मेरे हिसाब से, और उनको राशि पहुंचानी चाहिए थी लेकिन वो काफ़ी देर विलंब से पहुंची, उन तक सूचना कलेक्टर उनकी फ़ोन ही नहीं उठाती है, कहीं ना कहीं ये बात भी सामने आएगी, उसको लेके आप कहीं ना कहीं ये बात गलत है। उसमें टेक्निकल चूक हुई थी क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर उनको 2 लाख रुपये की राशि स्वीकृत हुई थी और इस आशय का मैसेज यहाँ कलेक्टर शिवपुरी को आया था कि वो अविलंब उनको 2 लाख रुपये उपलब्ध कराएं। पर सामान्य तौर पर अधिकारी डरते हैं, वो जब तक अपना कलम का कागज का पेट पूरा नहीं भर लेते वो 2 कदम आगे नहीं बढ़ते। एक आपके बोर्ड ऑफिसर होता है वो रिस्क लेता है, तो वो विभागीय किसी कार्रवाई का इंतजार करती नहीं, उसके कारण से थोड़ा सा विलम्ब हुआ। और बाद में दोनों पक्षों की चर्चा हुई, वो भी सहमत हुए कि हाँ कलेक्टर कुछ लिखा पड़ी में डाउट्स थे उसमें।
जी, लेकिन राशि के सेंशन में नहीं था, मैं राशि की बात नहीं करता, मैं तो प्रक्रिया में। हाँ, अभी आपने एक मुद्दे में मेरी बात को माना था कि जो बच्चों को लेके इतना बड़ा मामला हुआ था उसमें कहीं ना कहीं वैधता थोड़ी सी गलत। देखिए, प्रथम दृष्टया जो नजर आया वही बात मीडिया ने प्रस्तुत किया कि कलेक्टर के लिए इसमें क्या बुराई थी, कोई ज्ञापन देना चाहते तो कलेक्टर क्यों बैठाया गया, इसीलिए बैठाई गई है कलेक्टर की लोगों की बात सुने, उनकी बात समझे और विधि सम्मत जो हल आप कर सकते हैं आपको करना चाहिए। यदि आप कैपेबल नहीं है तो जो अथॉरिटी उसके लिए करने के लिए सक्षम है उसके लिए आपको भेजना चाहिए ज्ञापन का। सिस्टम यही होता है। विषयों पे आपने कोई एक्शन लिया या नहीं लिया, क्या कहना चाहिए उसके संबंध में? माननीय मंत्री जी, कुछ संज्ञान का वो विषय आया है, इसका जवाब मंत्री जी दे सकते हैं। मैं एक चीज़ और चर्चा करना चाहूँगा, जिस तरीके से मैंने कांग्रेस से पूछा, आपसे भी पूछना चाहूँगा कि आपके पास तीन विधानसभा हैं, शिवपुरी है, दो विधानसभा है, गलती से चूक कर गया, दो विधानसभा है शिवपुरी और दूसरी पौड़ी। तो मैं जानना चाहूँगा शिवपुरी और पौड़ी में आपने क्या क्या विकास करें, मुझे एक मिनट थोड़ा सा। शुक्रिया, पर्याप्त चर्चा हो चुकी है, मुझे निगम के उसको चर्चा करनी चाहिए। पौड़ी में आपकी क्या विकास करें? पौड़ी पर आप अखबार पढ़िए, सोशल मीडिया प्रहलाद भारती जी ने विकास के नए मानदंड स्थापित किए, स्कूलों की श्रृंखला खड़ी कर दी, बिजली की उपलब्धता के लिए फीडरों की लाइन खड़ी कर दी, सड़कें बिछाई गई हैं, नए नए कॉलेज बनाए गए, और पौड़ी और बहरा जो विकास की मुख्य धारा से जमाने से कांग्रेस के शासनकाल से वंचित था वह नगर पंचायत उन्होंने प्रारंभ कराई, एक से बढ़कर एक काम कराए, नई नई सिंचाई परियोजनाओं को उन्होंने सैंक्शन कराया। तो प्रहलाद जी तो विकास के नाम पर तो 100 में 100 नंबर चलते। चलिए, एक लंबी विस्तृत चर्चा अपने लोगों को एक चुनावी चकल्लस के माध्यम से आप लोगों को और हमको देखने को मिली, और इस तरीके की चर्चाओं का दौर आप और हमारे साथ मिलकर हम जारी रखेंगे, क्योंकि शिवपुरी की पांचों विधानसभाओं में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बातें बार बार निकल के सामने आती रहेंगी, क्योंकि अभी तो चुनाव का दौर शुरू हुआ है। चुनाव के दौर के साथ धीरे धीरे प्रतिनिधि सामने आएंगे, जनप्रतिनिधि सामने आएंगे, चुनाव लड़ने वाले सामने आएंगे, कुछ निर्दलीय प्रतिनिधि भी आपके साथ सामने आएंगे, और इन चारों लोगों का इस कार्यक्रम में मौजूद होने के लिए धन्यवाद सभी पार्टियों का, और मैं विशेष रूप से आमंत्रित सदस्य हमारे वरिष्ठ पत्रकार ब्रजेश तोमर जी का भी धन्यवाद करना चाहूँगा। इसी के साथ आप और मेरा मिलना जुलना जारी रहेगा इस चुनावी चकल्लस में। कैमरामैन मनोज के साथ अजय राज सक्सेना,